Students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. Class, it's our computer lecture, lecture number 1. Second term ka ye hamara first lecture hai and today we are going to read about the parts of a computer. Chapter number 2, parts of a computer. So open your books, page number 13. Our reading page number is 13. Let's start our reading. Listen to me carefully. Our body is made up of different parts. A computer is also made up of different parts. जैसा कि हमारी body मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनी है, इसी तरह computer भी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना है. Like speaker, monitor, system unit, UPS, mouse, printer, keyboard and microphone. ये सारे parts जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक computer बनता है. हम इस किसी भी अलग पार्ट को कंप्यूटर नहीं कह सकते क्योंकि सबका अलग अलग नेम है. जब ये सब पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो फिर कंप्यूट ओवरऑल को मिला के एक कंप्यूटर बनता है. लेट्स स्टडी ईच पार्ट इन डिटेल. अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि हर पार्ट का क्या नेम है और वो क्या काम करता है. फर्स्ट है मोनिटर. मोनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मोनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह नजर आता है. यू कैन सी कार्टून्स, फिल्म्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड सेंटेंस ऑन अ मोनिटर. अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर यानी कि मोनिटर स्क्रीन के ऊपर आप लोग कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वर्ड्स, नंबर्स, सेंटेंसेस जो भी हम उसके ऊपर राइट करते हैं वो हमें अपने मोनिटर स्क्रीन पर नजर आता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहलाता है. इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 14. नेक्स्ट हमारा है सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. इट ऑल्सो स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. ये क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करता है. मतलब माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सबको CPU कंट्रोल करता है और हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी अपने अंदर स्टोर करता है. नेक्स्ट वन इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज अल्फाबेट कीज, नंबर कीज एंड स्पेशल फंक्शन कीज. ये जो हमें कीबोर्ड नजर आ रहा है इसके ऊपर डिफरेंट कीज होते हैं, छोटे छोटे जिसे बटन्स कहते हैं, इन्हें हम कीज कहते हैं और ये डिफरेंट कीज के डिफरेंट नेम हैं. जैसा कि अल्फाबेट कीज, ABC वाली, नंबर कीज, 1-2 वाली कीज एंड स्पेशल फंक्शन कीज. हमारे पास ऊपर एक लाइन में F1, F2, F3 काउंटिंग लिखी होती है, ये स्पेशल फंक्शन कीज कहलाती हैं. When you press the key, the same letter character is seen on the monitor. जब हम कीबोर्ड से कोई भी लेटर प्रेस करते हैं तो वो हमें सेम मोनिटर स्क्रीन पर नजर आता है. जैसे कि अगर हम ए प्रेस करेंगे तो हमें अपनी मोनिटर स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नजर आएगा. नेक्स्ट है माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट हैज अ लॉन्ग वायर अटैच टू द सिस्टम यूनिट. माउस क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है, हमें पॉइंट आउट करने के काम आता है और इसके साथ एक लॉन्ग वायर होती है जो कि सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती है. इट हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील. इसके टू बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, और सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है जो हमें पेज को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है. माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एरो ऑन द स्क्रीन. अब ये हमारे जो एरो जो हमें स्क्रीन पर नजर आता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प यू टू ड्रॉ एंड मेक वर्क ईजी ऑन अ कंप्यूटर. अब ये हमारे ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है और कंप्यूटर में हमारे काम को आसान करने में भी हमारी हेल्प करता है. अ माउस शुड कैप्ट ऑन अ माउस पैड एज इट मूव्स. मूव्स वेल ऑन द सर्फेस, स्मूथ सरफेस. क्या होता है कि ये स्मूथ सरफेस पे अच्छी तरह से मूव कर सकता है, इसीलिए इसको यूज करने के लिए ज्यादातर हम माउस पैड यूज करते हैं. वो एक छोटा सा पैड बना होता है जिसके ऊपर हम अपने माउस को मूव करते हैं और वो इजीली मूव हो जाता है. नेक्स्ट है प्रिंटर. अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर. अब प्रिंटर हमारी क्या हेल्प करता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर उसे पेपर पर प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है. द प्रिंटर इज ऑल्सो इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. और जो कॉपी प्रिंट हमारे पास आता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. क्लास यहां तक हमने आज पढ़ा है और यहां पर आप आज की डेट मेंशन करेंगे. आपने इसको दोबारा से केयरफुली रीड करना है
अच्छी तरह से हर पार्ट के फंक्शन को समझना है. नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 17. सो क्लास नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 17 है. एक्सरसाइज हमारी ए है. हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइड. अब यहाँ पर उन्होंने कहा हमारे हमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें राइट वर्ड को सिलेक्ट करके इन ब्लैंक्स में राइट करना है. ए है डैश. और डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? ए माउस, बी हाउस या सी सीडी. तो ए पर टिक करें और ब्लैंक में लिखिए माउस. ए माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. नंबर टू है प्रिंटर. डैश प्रिंट्स योर वर्क ऑन अ पेपर. क्या चीज जो है हमारे पेपर पे प्रिंट करती है? प्रिंटर. यूपीएस प्रिंटर मॉनिटर. तो बी पर टिक करें और ब्लैंक में लिखिए प्रिंटर. प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क ऑन अ पेपर. थर्ड वन है डैश इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड. क्या चीज हमारी हेल्प करती है किसी भी साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने में? ए स्पीकर, बी हेडफोन्स, सी माइक्रोफोन. तो सी पर टिक करिए माइक्रोफोन. माइक्रोफोन हमारी हेल्प करता है वॉइस या साउंड को रिकॉर्ड करने में. लास्ट वन है डैश हेल्प्स यू टू लिसन टू म्यूजिक. म्यूजिक सुनने में हमारी क्या हेल्प करता है? टेलीफोन, नो, हेडफोन, मॉनिटर. तो बी पर टिक करें और ब्लैंक में लिखिए हेडफोन. हेडफोन हेल्प्स यू टू लिसन टू म्यूजिक. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बी. फिल इन द मिसिंग लेटर्स. मिसिंग लेटर्स को हमने फिल करना है. एम डैश एन डैश डैश ओ आर लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन. टीवी स्क्रीन की तरह. जब टीवी स्क्रीन का नाम आ जाता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि मॉनिटर की बात हो रही है क्योंकि वो टीवी स्क्रीन की तरह. तो हम इसको फिल करेंगे एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. नंबर टू है एम डैश डैश एस ई इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस जब हम कहते हैं तो फिर हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? एम ओ यू एस ई माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. थर्ड वन है यू डैश पी डैश कीप्स द कंप्यूटर ऑन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. जब लाइट चली जाती है तो क्या चीज हेल्प करती है हमारे कंप्यूटर को ऑन रखने में? यूपीएस. UPS keeps the computer on when electricity goes off. Last one is C dash is a compact disc. Compact disc क्या है? CD. C से compact, D से disc. Compact disc is a CD का short form है. CD short form में जब हम इसको spell करें तो वो compact disc कहलाती है. CD जिसको हम short में C and D कहते हैं. Last हमारा है सी टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. माउस हेल्प्स यू टू टाइप लेटर्स. नो, कीबोर्ड हेल्प्स अस टू टाइप लेटर्स. तो इट्स क्रॉस. सीडी इज पुट इनसाइड अ सीडी ड्राइव. यस, इट्स अ टेक. अ प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क ऑन अ प्रिंटर. अ प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क ऑन. क्लास इसको करेक्ट कर लीजिएगा. यहां पर आएगा पेपर. तो आप लोग भी ऐसे ही छोटा सा कट करके यहाँ पे पेपर लिख लीजिएगा. अ प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क ऑन अ पेपर. तो इट्स ट्रू. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. यस, इट्स ट्रू. लास्ट वन है कीबोर्ड हैज नो नंबर कीज. इट्स क्रॉस क्योंकि कीबोर्ड पे तो नंबर कीज होती हैं. तो क्लास आप लोगों ने केयरफुली इसको फिल करना है एंड लर्न करना है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.